हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अभी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं रेडी हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ आज लखनऊ, हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाना है और गाड़ी आ गई है, हॉर्न पे हॉर्न दे रही है। तो मैंने सोचा चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया जाए, थोड़ी सी आप लोगों से बात कर ली जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट चलती हूँ, रास्ते में आपसे बात करूँगी क्योंकि गाड़ी पीछे से हॉर्न दे रही है बार बार। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। तो अभी हम लोग निकल गए, हस्बैंड मेरी गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी मैं थी ना, तो मैं अपना गेट वगैरह बंद कर रही थी, लगभग सब कुछ हो गया है मेरा, रेडी हो गई हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, तो गाड़ी आ गई है। तो चलिए ठीक है, फिर मैं आप लोगों से लखनऊ पहुँच कर बात करूँगी। आगे लगा देती हूँ म्यूज़िक और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपने गांव के अंदर का व्यू और खेतों का व्यू। देखिएगा कितना प्यारा लगता है देखने में। चलिए लगा देती हूँ म्यूज़िक। सामने हम लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। हालांकि और दिन से ना आज भीड़ कम थी क्योंकि लिमिटेड पेशेंटों को ही अपॉइंटमेंट मिला था। तो आज काम भी हम लोग का जल्दी हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और फिलहाल यहाँ पर जो भी था कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा फॉलो किया गया था। दो सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने चलिए मैं यहाँ की भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दूँ आप लोगों के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं, वापस घर जा रहे हैं। और ये है हमारी रुदौली का फ्लाईओवर जो बनकर अभी रेडी हो गया है। तो मैंने कहा चलिए इसकी भी एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हम लोग इस फ्लाईओवर से आए हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये है रुदौली का फ्लाईओवर। ये था हमारे रुदौली का फ्लाईओवर जो कि अभी फ़िलहाल चालू कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ काम बाकी रह गया है, बट फिलहाल इसे अभी चालू कर दिया गया है, इस पर गाड़ियाँ जो है आने जाने लगी हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, यही कोई मुझे लगता है साढ़े चार का टाइम हो रहा है। और अभी आ गई हूँ मैं लखनऊ से, जस्ट अभी आई हूँ, थोड़ी देर हुआ है मुझे घर पहुँचे। और अभी कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, ठंड बहुत ज़्यादा है और वहाँ ना फिर दोबारा से वही जैसे पहले था ना, कोरोना में इतनी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, मतलब जगह जगह पे चेकिंग हो रही थी रिपोर्ट्स वगैरह की, तो इस वजह से काफ़ी टाइम भी लग रहा था, लेकिन इजी भी हो गया था क्योंकि भीड़ कम थी। उस हिसाब से पेशेंटों की जो भीड़ थी ना वो काफ़ी कम थी नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग। तो काम फ़िलहाल जल्दी हो गया था, लेकिन वही है ना, डॉक्टर्स को दिखाना, पहले हॉस्पिटल जाओ, फिर वहाँ कार्ड बनवाओ, उसके लिए लाइन लगाना पड़ता है, वो बनवाओ पहले, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाओ, उसमें भी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम लगता है केमिस्ट की दुकान पर दवाइयाँ लेने के लिए। तो फिलहाल अभी हो गया है काम, डॉक्टर ने देख लिया हस्बैंड को, फिलहाल ठीक है, नॉर्मल थी रिपोर्ट्स। जैसे लास्ट मतलब अगर कम नहीं हुई कोई चीज़ तो बढ़ी भी नहीं है, स्टेबल है उतने पे ही, जो मेन होता है क्रिएटिनिन होता है, तो बढ़ा नहीं है हस्बैंड का, मेरा उतना ही था।
दवाइयाँ फ़िलहाल वही चलेंगी। और अभी फ्रेंड्स ठंड हो रही ना, तो ये देखिए अभी मैंने चाय बनाई है गरम गरम चाय। तो फिलहाल वैसे भी मैं लेके भी जाती हूँ थर्मस में, क्योंकि बाहर का खाना सेफ़ नहीं है ना अभी, इसीलिए तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लूँ। क्योंकि मैं बीच में कुछ भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि ना वहाँ का, वहाँ पहुँचने के बाद ना टाइम ही नहीं मिलता है और फिर मन भी नहीं करता यार, कुछ अच्छा हो तो दिखाओ भी, इसीलिए। तो फिलहाल इसके अलावा मैं अभी आप लोगों के साथ ना, मैंने ना एक साड़ी मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, तो मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हाँ वो साड़ी, फिर आप लोग देखिएगा बताइएगा कि वो साड़ी कैसी लगी आप लोगों को। अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो स्पेशली मैंने अपने वीडियो के लिए ही मंगवाई है, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझसे ब्लैक साड़ी में वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स, तो अभी उसी के लिए मंगाई है। बट अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ वीडियो में, तो बट कोई नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए ठीक है, पहले पी लेती हूँ चाय क्योंकि ठंड लग रही है काफ़ी, फिर देखते हैं क्या करना, उसके बाद मुझे बनाना है खाना वगैरह। तो चलिए मिलती हूँ बाद में, पहले पी लेती हूँ चाय। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो साड़ी जो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी अपने यूट्यूब वीडियो को बनाने के लिए। तो काफ़ी टाइम से मैंने रख रखी थी ना ये वीडियो, काफ़ी मतलब पहले से ही बना के रखी हुई थी, बट मैंने किसी में डाली नहीं थी, याद ही नहीं रहता था। तो अभी मैं बना रही थी तो मुझे मैंने देखा, तो मैं कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ कि मैंने कैसी साड़ी मंगाई है। तो हालाँकि मतलब नॉर्मल सी है, ब्लैक कलर की है, जो मुझे वीडियो बनाने के लिए चाहिए थी, रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी आती थी फ्रेंड्स। तो ये है वो साड़ी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी। ये है कि मतलब जैसा दाम है वैसा काम है, जब हाई रेंज की नहीं तो मतलब क्वालिटी ठीक है, इसके प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी भी ठीक ठाक है इसकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो फिलहाल मुझे तो ठीक लगी है, बहुत अच्छी नहीं तो ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है। आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको ये साड़ी। हाय फ्रेंड्स, तो अभी ना मैं आप लोग के साथ अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, बस अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मुझे करना चाहिए, शायद किसी के ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से किसी के भी घर में कोई किडनी पेशेंट है और आप लोग उनको उनकी डाइट से अगर रिलेटेड कोई आप लोग को दिक्कत हो रही है, आप लोग कुछ नया खिलाना चाहते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता भी होगा या बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो जैसे कि मुझे भी नहीं पता था पहले, जब तक डाइटिशियन ने मुझे नहीं बताया था मैं नहीं देती थी, कि ये सोच के कि पता नहीं नुकसान है कि फ़ायदा है। बट अभी मेरे हस्बैंड को सजेस्ट किया है डॉक्टर ने ओट्स खाने के लिए, तो ये देखिए मैं अभी ये सेकंड या थर्ड टाइम लेकर आई हूँ। पहले मैं दो बार इससे छोटा स्मॉल जो था पैकेट वो लेकर आई थी, इस बार मैं ये बड़ा पैकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि ना ये जो है काफ़ी अच्छा होता है, खाने में भी टेस्टी लगता है पेशेंट को, और बन भी बहुत ही ईजली जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस दो से तीन मिनट का टाइम लगता है इसमें इसको बनाने के लिए। तो आप इसे कभी भी जो है अपने पेशेंट को बनाकर दे सकते हैं नाश्ते में, ब्रेकफास्ट पर। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि मैं देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी किडनी के पेशेंट हैं, तो मैं उनको नाश्ते में ये देती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप किसी को भी देंगे ना खाने के लिए तो बिल्कुल वो पक्का है कि वो बोर हो जाएगा, जैसे कि मेरे हस्बैंड हो गए थे एक टाइम पर, वही दलिया, क्योंकि दलिया मुझे नॉर्मल सी पता थी कि हाँ हम दलिया दे सकते हैं, तो वही गेहूं की दलिया देती थी मैं इनको, कभी नमकीन कभी मीठा, इसी तरीके से चेंज करके। मेरी गंदी आदत हो गई है, बट लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, तो मुझे नहीं पता था तब तक, तो मैं ये करती थी। पर अभी जो है मुझे डॉक्टर ने जब से बताया मुझे काफ़ी ईजी हो गया है, तो अब मैं अपने हस्बैंड को रोज़ डेली बदल बदल के चीज़ दे सकती हूँ,
और देती हूँ। कभी मैं उनको नमकीन दलिया बना के देती हूँ, कभी मीठी दलिया बना के दे देती हूँ, कभी साबूदाने की खीर दे देती हूँ बनाकर, और ओट्स देती हूँ जो कि उन्हें काफ़ी पसंद है, अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूँगी कि आप किस कंपनी का ले, आपको जिस कंपनी का मिलता है आप वो लीजिए, मैं किसी एक कंपनी के बारे में नहीं बता रही हूँ। फ़िलहाल मैं तो पतंजलि का लेकर आई हूँ और पतंजलि का मैंने यूज किया है, काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग के पास जो भी अवेलेबल हो, जो मिलता हो आप लोग की मार्केट में, वो ले सकते हैं। और आप ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, अपने पेशेंट को दीजिएगा ज़रूर, बनाने में बहुत ईजी है। पीछे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके अलावा जो हमारी इसकी जो बनाने की जो विधि होती है ना, वो भी दी रहती है। आप इसमें से पढ़कर भी आप उसे बना सकते हैं। ये देखिए इसमें पूरा लिखा रहता है कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे इसको प्रिपेयर करना है, पूरा का पूरा इसमें दिया रहता है, आप देख के आराम से बना सकते हैं। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो इस तरीके की अगर मेरे पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी या कोई और एक्सपीरियंस होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जा रही हूँ मैं बनाने डिनर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हॉस्पिटल से मुझे आए, मुझे ये दिख गया तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर के बाद। हेलो एवरीवन, तो अभी ना मैं बैठ गई हूँ छत पर आकर अपने, क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और आज धूप निकली है फ्रेंड्स कई दिनों के बाद, और अभी ना मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, कोल्ड एंड कफ दोनों हो रहा है, फीवर भी आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स। ऐसे जल्दी से मुझे जुकाम नहीं होता है, नहीं तो एक तो अभी हॉस्पिटल भी गई थी ना हस्बैंड को लेकर, वहाँ से लौट कर आई, फिर फिलहाल तब तक तो ठीक ठीक था, लेकिन अभी आज दूसरा या तीसरा दिन है, तो उसके बाद से ना अभी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, फीवर भी आ रहा है इसी वजह से। और एक मन में तो ये भी आता है कहीं, मतलब कहीं कोविड के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि कोविड का जो नया वेरिएंट आया ना उसका भी कुछ नहीं पता चलता, बिल्कुल नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह ही उसके भी सिम्टम्स हैं सारे। तो ये सोच के भी काफ़ी मतलब अजीब सा लगता है, फील होता है। तो फ़िलहाल जो भी है मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है और 23 तारीख को एग्ज़ाम है, और उसके लिए मुझे ठीक भी होना है, नहीं तो मुझे ना एग्ज़ाम देने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सब ये आप लोग भी जानते हैं कि मतलब अगर जिसमें अगर कोविड के थोड़े से भी सिम्टम्स हैं अगर, या कोविड से परेशान है कोई, तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको फीवर भी रहता है, खांसी भी है और पेन, बॉडी पेन है, मतलब सब कुछ है, सारी प्रॉब्लम होती है, वीकनेस ऊपर से लगता है उसको, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स। ऊपर से गवर्नमेंट जो है, जो पेपर है वो कैंसिल नहीं करना चाहती है, हर हाल में उसे कराना है, तो हमें भी याद रखना पेपर है तो जाना पड़ेगा। ये भी कर जाएगा अगर कोविड पेशेंट है कोई तो वो भी पेपर दे सकता है, उसके लिए अलग से अरेंजमेंट होगा। तो ये तो है, पेपर तो दूंगी मैं फ़िलहाल। अभी ये देखिए कितनी अच्छी धूप है ना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो मैं कहा चलिए थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि मेरे वीडियो का एंड नहीं हुआ था ना, दो तीन दिन हो गया मेरा वीडियो ऐसे अधूरा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलिए बात कर लेती हूँ और अपने वीडियो का एंड भी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो बताइएगा फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो ना, अगर थोड़ा सा भी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं और क्या बोलूँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।